तो गाइस फाइनली मेरे आईफोन 11 के 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इसके 8 मंथ कंप्लीट होंगे मैं बैटरी हेल्थ रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अभी गाइस इसकी बैटरी हेल्थ कितनी बची हुई है वो आगे अभी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को भी दबा रखा है, तो उन लोगों को पता ही होगा कि मैं इसमें गेमिंग करता हूँ और मैं इसमें इनबिल्ट रिकॉर्डिंग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी गेमिंग करता हूँ, जिसकी गेम प्ले वीडियोज मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। जो लोग देखते हैं उन लोगों को पता होगा। तो गाइस जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं आई बटन में इसकी गेम प्ले की वीडियोस ऐड कर दूंगा। तो गाइस जो लोग पहले जुड़े होंगे उनको पता ही होगा कि इस फोन को मैंने परचेस किया था 30 जनवरी तक। फिर भी यार जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा देना चाहता हूँ कि कब मैंने इस फोन को परचेस किया था, उसके बाद फिर हम लोग इसकी बैटरी हेल्थ देखने वाले हैं। बाकी तो यार आप लोग जानते हैं कि मैं इसमें क्या क्या यूज करता हूँ। नॉर्मली वही व्हाट्सअप, अपना BGMI, पहले पबजी खेलता था लेकिन अब यहाँ पे BGMI खेलता हूँ, और जो अपने सोशल मीडिया एप्स हैं डेली यूजेस के वो सभी यूज करता हूँ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, वीडियो और कॉलिंग के लिए। ये सभी तो आप लोगों को पता ही होगा। पहले तो गाइस मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो आईफोन 11 है वो कितना पुराना हो चुका है। तो इसके लिए गाइस हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम लोगों को एक जनरल का ऑप्शन आ जाता है, उसमें चलते हैं। उसके बाद गाइस अबाउट फोन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस जो इसकी लिमिटेड वारंटी आप डेट देख पा रहे हैं वो 29/1/2022 तक की है, यानी कि 1 साल की वारंटी रहती है। और हमने इस फ़ोन को इस एक्सपायर वारंटी डेट के हिसाब से 30 जनवरी 2021 को ख़रीदा था। 30 जनवरी के हिसाब से गाइस चलिए मान लेते हैं एक फरवरी को हमने इसको परचेस किया था, जिससे आप लोगों को काउंट करने में इजी रहेगा। तो फरवरी से लेकर गाइस अभी जो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, आज 1 अक्टूबर है, तो आप खुद ही जोड़ सकते हैं गाइस कि इसके कितने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे तो गाइस पता ही है इसके 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी गाइस हम इसकी बैटरी हेल्थ देखने वाले हैं कितनी बची हुई है। तो चलते हैं गाइस बैग चलने के बाद चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप उस बैटरी वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, उसके बाद बैटरी हेल्थ वाले ऑप्शन में चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% बैटरी पूरी यहाँ पे कैपेसिटी आपको शो हो रही है। तो गाइस अभी भी आप लोग देख रहे हैं इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो पूरी 100% बनी हुई है। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं ये बैटरी 100% कैसे बनी हुई है, तो जो मेरी 7 मंथ वाली वीडियो है जिससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जब मेरे आईफोन 11 के 7 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं, तो मैंने बैटरी हेल्थ रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी, उसकी लिंक मैं गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बैटरी हेल्थ बताई थी, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जो है इसमें बैटरी हेल्थ मेंटेन के लिए कौन कौन सी जो टिप्स हैं वो अप्लाई करता हूँ, क्या क्या चीज़ फॉलो करता हूँ, जिससे जो मेरी बैटरी हेल्थ है वो अभी भी 100% बनी हुई है। अभी अगर गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस बैटरी हेल्थ मेंटेन के लिए कौन कौन सी टिप्स मैं यूज करता हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है जो कि 7 मंथ वाली वीडियो है, तो उसको जाके गाइस अभी जरूर देखना। तो बस गाइस इसकी बैटरी हेल्थ मेंटेन से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप एक बार पता आपको चल जाएगी तो फिर आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो जल्दी ड्रॉप नहीं होगी। अगर सपोज डैट आपकी बैटरी 95 हो गई है तो उसके बाद फिर गाइस आपकी बैटरी 95 से जल्दी 94 नहीं होगी। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी टिप्स को अप्लाई किया जाता है अपने आईफोन में, तो गाइस आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो आईफोन है वो कितना पुराना हो चुका है, उसमें जो बैटरी हेल्थ है वो कितनी बची हुई है, बिल्कुल सच सच बताना गाइस। तो फिलहाल के गाइस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।